बंकिम चंद्र चटर्जी रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम फिर से एक बार चर्चा में है। इस बार हलचल आरएसएस के प्रिय नारे हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा को लेकर नहीं हो रही, बल्कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमबी मुरलीधरन के एक आदेश को लेकर है। उन्होंने यह आदेश दिया है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को हर सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों संस्थानों उद्योगों में हर महीने कम से कम एक बार गाना होगा। दरअसल भारत उन गिने चुने देशों में एक है जहां विवादों से परे राष्ट्रगान होने के बावजूद वंदे मातरम राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकृति रखता है। इस गीत पर हर बार का विवाद इस बहस को ताजा कर देता है कि देश के मुसलमान इस देशभक्ति के तराने को गाना नहीं चाहते हैं और इस तरह उनकी देशभक्ति संदिग्ध है। इसका जीता जागता उदाहरण कल महाराष्ट्र विधानसभा में देखने को मिला, जहां बीजेपी के विधायक राज पुरोहित ने वंदे मातरम बोलने पर अनिवार्यता की बात कही। एमआईएम के विधायक ने आपत्ति जताते हुए कहा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मेरा धर्म और कानून मुझे यह गाने की इजाजत नहीं देता, कोई मेरे सिर पर रिवाल्वर भी रख दे तो भी मैं यह नहीं गाऊंगा। साथ ही साथ वहीं अबू आजमी ने इसका विरोध जताते हुए कहा, मुझे देश से बाहर भी फेंक दिया जाए तो भी मैं इसे नहीं गाऊंगा। यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि अगर किसी भी मुद्दे या विमर्श में मुसलमान या इस्लामी पहलू जुड़ जाए तो यह बहस सेहतमंद न रहकर उग्र सांप्रदायिक रूप ले लेती है। हालांकि सच्चाई को ठुकराया नहीं जा सकता कि अनगिनत शहीद जिसमें भगत सिंह सुखदेव राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला शामिल थे और वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदों पर झूल गए, यह नारा साझे राष्ट्रवाद का मंत्र बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन आज देश की विडंबना देखिए, आज हमें राष्ट्रवादिता दिखाने के लिए वंदे मातरम भारत माता की जय जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देश प्रेमी होने का सबूत देना होता है। लेकिन क्या भारतीय संविधान इस बात को गवारा करता है? किसी के कहने से हमें राष्ट्रवादी होने का प्रमाण मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।